हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्नेहा गुप्ता रेसिपीज़ एंड वीलॉग्स चैनल। तो आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी, क्विक एंड इजी ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स रेसिपी बताने वाली हूँ, और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसके लिए हमें चाहिए बेसन। आधा कप हम बेसन लेंगे। ये बेसन आप किसी भी ग्रॉसरी शॉप से खरीद सकते हैं। इसके साथ हमें चाहिए सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। हल्दी पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, जीरा लेंगे 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून, हींग लेंगे 2 चुटकी और कॉर्नफ्लोर लेंगे 2 बड़े चम्मच और पानी लेंगे इसका बैटर बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो हम बेसन में ये सारे चीज़ों को ऐड करेंगे। जैसा मैंने आपको क्वांटिटी बताया था, उसी क्वांटिटी में हम इन सारे चीज़ों को बेसन में डालेंगे। कॉर्नफ्लोर हम इसमें ऐड करेंगे ताकि जो बटाटा बड़ा है वो हमारा बहुत ही क्रिस्पी बने, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक थिक बैटर बनाएंगे। पानी इसमें थोड़ा थोड़ा डालें और इसे लगातार चलाते रहें। ध्यान रहे कि बैटर में कोई लम्स ना हो, बिल्कुल स्मूथ बैटर हमें चाहिए। ये बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो इस बैटर को अब हम कवर करके 10 मिनट के लिए रख देते हैं। नाउ टेक अ पैन विद द ऑयल। इसमें डालेंगे जीरा, साबुत धनिया, मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई, और कुछ करी के पत्ते। ये सब हमें 1/4 टीस्पून से ज़्यादा नहीं डालना है। और इसमें मैंने 1 चम्मच अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट भी ऐड किया है। ये बॉयल्ड आलू मैंने लिया है, 4 से 5 बॉयल्ड आलू को मैंने छील के और इसे क्रम्बल कर दिया था। और इसे हमें इस पैन में डाल के अच्छे से फ्राई करना है। फ्लेम आप मीडियम टू हाई रखें। और इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट और 1/4 टीस्पून गरम मसाला, और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू थोड़ा रोस्ट होने जैसा हमें भूनना है, और इसे निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए, इसे छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। मीडियम आकार के बॉल्स हमें बनाने हैं, इस तरह से। ये बॉल बन गया है, और इसी तरह से हम बाकी के सारे बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। इसे बैटर में डिप करेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा थिक बैटर हमें नहीं करना है। अब एक पैन में मैंने ऑयल लिया है, सफिशिएंट ऑयल चाहिए हमें डीप फ्राई करने के लिए। ऑयल हमें हॉट चाहिए, और इसमें एक एक करके सारे बॉल्स बैटर में डिप करने के बाद तेल में डालेंगे, और इन्हें गोल्डन होने तक हमें डीप फ्राई करना है। साइड साइड से हमें थोड़ा थोड़ा तेल भी इसके ऊपर डालते जाना है, उसके बाद इसे हम पलटेंगे। फ्लेम आप इस बीच में मीडियम ही रखें ताकि ये बटाटा बड़ा अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए। और ये देखिए, लाजवाब टेस्टी गोल्डन कलर का बटाटा बड़ा बन के बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल स्वादिष्ट, क्रिस्पी और टेस्टी। इसे आप ब्रेकफास्ट में बनाएं, स्नैक्स में दें, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आपको मेरा आज का यह रेसिपी अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे बिग थम्स अप दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। और अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आपको ऐसे रेसिपीज और वीडियोज मिलते रहें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।